आपने हर तरह की पी होगी, अदरक वाली, इलायची वाली। लेकिन आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं ना तो वो कभी आपने देखी होगी ना कभी पी होगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। अंकल जी, कब से आपकी दुकान स्टार्ट है और आप कब से बना रहे हैं? मैं 32 साल से चाय बना रहा हूँ। 32 साल से? 32 साल। रोटी का चॉकलेट सारी चीजें डालकर, मतलब आप 32 साल? हमारी चाय जो है वो बनना स्टार्ट हो गई है। आप देखिए इसके अंदर दूध, पानी और चाय पत्ती जो अंकल जी ने डाल दी है। अब देखिए इसके अंदर कौन से फ्रूट डालने वाले हैं वो हम देखते हैं। अंकल जी इसके अंदर सेब और केले वाली चाय आप बनाइए। ये देखो सेब जो हमारा जो है वो कद्दूकस होना स्टार्ट हो गया है। सेब जो इसके अंदर अच्छी तरीके से कद्दूकस होकर सेब चाय के अंदर डाला जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से पूरा जो है वो सेब, आधा पूरा सेब अंकल जी ने चाय में डाल दिया है। और ये हमारा आ गया है अब केला। ये देख लीजिए अंकल जो केला छिल रहे हैं, खेल के लिए केला भी अंकल जी ने चाय में डाल दिया है। अब जो हमारी चाय जो है वो उबलना शुरू हो जाएगी। और वो ये थोड़ा सी चीकू भी डाल दिया अंकल जी ने, तो मतलब तीनों फ्लेवर जो है इस चाय के अंदर आपको देख। चाय जो है अब हमारी उबलने लगी है, अच्छी तरीके से कड़छी से हिलाया जाएगा। स्वाद अनुसार थोड़ी सी चाय पत्ती इसके अंदर जो है और ऐड की गई है। और उसके बाद इसे सांडसी से चाय को उठाया जाएगा और उठाकर इसको चाय को हिलाया जाएगा ताकि ज़्यादा उबाल ना जाए। और ये जो हमारी चाय है अब रेडी होकर आ चुकी है। तो आइए इसे पीकर देखते हैं कि पीने में कैसे। दोस्तों ये चाय हमारी जो फ्रूट चाय है वो रेडी होकर आ चुकी है। तो आइए इसे टेस्ट करके देखते हैं कि पीने में कैसी है। वैसे तो आपने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है, तो आज पीकर देखते हैं। चाय के अंदर जो है केला और सेब बिल्कुल मिक्स है और उसका बिल्कुल टेस्ट आ रहा है। सिर्फ बताने को नहीं है, चाय में बिल्कुल आ रहा है और चाय पीने में बहुत ही ज्यादा मजेदार है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये चाय जो है सूरत 2 किलो में है, आप यहाँ जरूर आए। मैं इसके अंदर लिंक के अंदर या बायो के अंदर जो है इसका लोकेशन ऐड करूंगा, तो आप यहाँ पर जरूर आए। और